नमस्कार, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइज पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेन नेटवर्क के शेयर को लेके, डेन नेटवर्क्स लिमिटेड के बारे में। इसके पहले भी हम लोगों ने वीडियोज़ बनाया था तो बहुत लोगों ने पूछा था कि स्टॉक पे क्या करना चाहिए। तो देखिए, अभी डेन नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे तो हम लोग को पता है कि ये जो है RIL का ये एक स्टॉक है, रिलायंस का एक स्टॉक है। रिलायंस ने खरीद लिया था डेन नेटवर्क का स्टेक, तो उसके बाद जो है स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा सा जो है एक मजबूती देखने को हम लोग को मिला था ये स्टॉक में। और कुछ दिन पहले से जो स्टॉक में गिरावट चल रहा था, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं अभी स्टॉक में क्या चल रहा है, इतना दिन सर आगे क्या हो सकता है। और इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ये स्टॉक के बारे में जो है रिसर्च किया है, तो वो भी हम लोग शेयर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। रिक्वेस्ट करेंगे पूरा वीडियो पर बने रहिए, कहीं पर स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपको एक ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग या आप स्टॉक से, तो उसका लिंक हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देखे रखा है, जरूर एक बार देख सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट, तो आपको जो है एक साल का AMC फ्री मिल जाएगा, अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, जरूर एक बार देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक की बातें। 6 महीना पहले स्टॉक का प्राइस आप लोग देख सकते हैं 74.85 पैसे चल रहा था। 6 महीने के अंदर स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है। 1 मंथ पहले स्टॉक का प्राइस चल रहा था 56.70 पैसा, 1 मंथ के अंदर भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है। 5 डेज में देखेंगे तो दोस्तों 5 डेज से स्टॉक में थोड़ा बहुत मजबूती हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है। 5 डेज पहले स्टॉक का प्राइस चल रहा था 48.10 पैसा, 5 डेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 0.60% का स्टॉक में जो एक मजबूती बनता हुआ दिखा है। और एक दिन पहले का यहाँ पे ग्राफ में हम लोगों ने देखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बार बार स्टॉक में गिरावट के बाद फिर से यहाँ पे मजबूती बनता हुआ दिखा है। तो डेन नेटवर्क का जो रिजल्ट आया है वो हो सकता है कि बहुत लोग ऑलरेडी पता रहेगा। तो यहाँ पे अभी जैसा लगता है स्टॉक में आगे एक अच्छा रिटर्न हो सकता है। देखिए, अभी बहुत बड़ा रिटर्न हम लोग यहाँ पे नहीं बोल सकते, छोटा अमाउंट का स्टॉक है, छोटा मोटा एक जो है यहाँ पे एक अच्छा मजबूती बनता हुआ दिख सकता है। एक दिन पहले का देखेंगे स्टॉक का ओपन प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस। स्टॉक ओपन हुआ था 47.30 पैसे में, हाई प्राइस दिया है 49 रुपीज़ का एंड लो प्राइस दिया है 47.30 पैसे का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक जो है ओपन होने के बाद लगभग जो है 1.5 से 2 रुपये के आसपास, यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगभग जो है 1.60-70 पैसे के आसपास जो है स्टॉक ने रिटर्न दिया है। तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, जब भी आप स्टॉक खरीदते हैं हम लोग हमेशा बताते हैं कि जब भी जो भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं उसके बारे में अच्छी तरह से एक बार रिसर्च कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोगों ने जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिसर्च किया तो वो एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रेडेड वॉल्यूम जो है वो देखने को मिल रहा है 1,290,434, फेस वैल्यू 10.00 का है, 52 का हाई प्राइस दिया है 115.05 पैसा, 52 का लो प्राइस दिया है 33 रुपीज़ का। बाई क्वांटिटी अभी देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन जो देखने को मिल रहा है वो है डिलीवरेबल क्वांटिटी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल, वो है 7,20,005 एंड डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेड क्वांटिटी का जो परसेंटेज है वो लगभग 55.80% के आसपास है। तो दोस्तों, इतना तो हम लोग को समझ में आ गया कि बहुत सारे लोग जो है फिलहाल यहाँ पे खरीदारी करके चल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हम लोग कि ये स्टॉक में आपको खरीदारी करना चाहिए या फिर बहुत ही अच्छा स्टॉक है। हाँ, जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है उसके अगर देखेंगे तो लगता है कि स्टॉक में थोड़ा बहुत खरीदारी करके चलना चाहिए। ये स्टॉक के बारे में जो यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखने को मिला है, देख सकते हैं आप, प्रोमोटर्स होल्डिंग्स रिमेन्स अनचेंज्ड 86.53% इन दिसंबर 2020 क्वार्टर। तो प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग्स है यहाँ पे वो अनचेंज्ड है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है दिसंबर 2020 क्वार्टर में। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है अपडेट देखने को मिला है वो हम लोग आगे शेयर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अगर देखेंगे FPI रिमेंस अनचेंज 0.71% दिसंबर 2020 क्वार्टर। तो FPI जो है उन लोगों ने भी अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। नंबर ऑफ FPI इन्वेस्टर्स इंक्रीज फ्रॉम 14 to 16 दिसंबर 2020 क्वार्टर। तो ये लगता है कि एक अच्छा बात है जहाँ पे देखने को मिल रहा है लोगों जो है FPI इन्वेस्टर जो है उन लोगों ने अपना इन्वेस्टर जो है वो लोगों ने जो है बढ़ चुके हैं, 14 से 16 हो चुका है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होल्डिंग्स रिमेन अनचेंज्ड। तो यहाँ पे कुछ अच्छी बातें भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो प्रोमोटर्स के शेयर होल्डिंग को लेके देखने को मिल रहा है उसके लेके भी एक अपडेट आया है, वो भी आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, इसके पहले एक बार जो रिजल्ट आया है डेन नेटवर्क के वो बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है, जिसने भी स्टॉक लेके रखा है कि डेन नेटवर्क के रिजल्ट्स को लेके क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है क्वार्टर 4 रिजल्ट्स डेन नेटवर्क्स रिपोर्ट्स
51% हाइक इन नेट प्रॉफिट एट ₹34 करोड़। डेन नेटवर्क एक बहुत बड़ा अपडेट है जहाँ पे इन लोगों ने बताया कि जो Q4 का रिजल्ट है उसमें लगभग 51% का जो इन लोगों को हाइक हुआ है 34 करोड़। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे का इन्फॉर्मेशन देखते हैं। डेन नेटवर्क्स ऑन फ्राइडे रिपोर्टेड 50.56% राइज इन कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट एट ₹33.89 करोड़ फॉर द फोर्थ क्वार्टर एंडेड मार्च 31, 2021। तो यहाँ पे एक बहुत ही हम लोग बोल सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि जिसने भी स्टॉक लेके रखा है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा अपडेट हो सकता है स्टॉक में अगर तेज़ी आए तो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेन नेटवर्क्स से जो देखने को मिला है यहाँ पे फ्राइडे को जो इन लोगों का रिजल्ट्स आया है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट वो 33.89 करोड़ बढ़ के आया फोर्थ क्वार्टर में जो अब इन लोगों ने रिजल्ट पोस्ट किया है। द कंपनी हैड पोस्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹22.51 करोड़ इन द ईयर एगो पीरियड। तो इसके पहले जो है इस क्वार्टर का जो इन लोगों ने रिजल्ट पोस्ट किया था वो था लगभग 22.51 करोड़, और अभी वो बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा देखेंगे हाउएवर टोटल इनकम वॉज डाउन, टोटल इनकम अगर देखेंगे आप इस कंपनी का तो वो डाउन है 3.49% एट ₹355.52 करोड़ ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर रिव्यू एज अगेंस्ट 368.39 करोड़ इन द सेम पीरियड ए ईयर एगो। तो इसके पहले का जो इसी क्वार्टर का टोटल इनकम था वो था 368.39 करोड़, और अभी का जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है 355.52 करोड़, लगभग 3.49% वो डाउन है इस क्वार्टर का जो टोटल इनकम है डेन नेटवर्क का, वो भी आपको ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पे आगे का इन्फॉर्मेशन, टोटल एक्सपेंसेस वेयर एट 322.84 करोड़ इन द क्वार्टर। देन नेटवर्क स्टॉक्स ऑन फ्राइडे सेटल एट ₹48.30 करोड़ BSE। तो बहुत ही यहाँ पे जो है शानदार इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिला है ये स्टॉक के बारे में और जो इसका रिजल्ट्स आया। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हम लोग को पता है कि ये स्टॉक जो है रिलायंस का है, क्योंकि रिलायंस ने स्टेक खरीद लिया था डेन नेटवर्क्स और हैथवे में। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, RIL टू सेल डेन नेटवर्क्स एंड हैथवे स्टेक्स फॉर 1122 करोड़। RIL जो है उसका जो स्टेक्स है नेटवर्क्स एंड हैथवे का वो बेचेंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रोमोटेड हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड एंड डेन नेटवर्क्स इज टू सेल स्टेक्स वाया एन ऑफर फॉर सेल OFs के माध्यम से ये लोग सेल करेंगे ऑन 26 एंड 30 मार्च फॉर 853 करोड़ एंड 216 करोड़ रेस्पेक्टिवली। जियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जियो इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड एंड जियो केबल एंड ब्रॉडबैंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड प्रमोटर्स ऑफ हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड विल सेल 338 मिलियन शेयर्स और ए 19.1% स्टेक विथ ए फ्लोर प्राइस ऑफ 25.25 टोटलिंग 853.45 करोड़। जियो अब यहाँ पे ये जो बेच रहा है उसके पीछे क्या अपडेट है वो भी देख लेते हैं। द शेयर सेल्स बाय प्रमोटर्स फर्म आर एम टू अचीविंग मिनिमम पब्लिक होल्डिंग इन द कंपनीज एज पर नॉर्म्स सेट बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का जो रूल्स है उसके हिसाब से देखेंगे तो ये लोग जो है ये शेयर बेचेंगे, सेबी का जो रूल्स है उसके बेसिस में ये लोग शेयर अभी बेचेंगे। इन फेब्रुअरी 2020 रिलायंस इंडस्ट्रीज मर्ज डेन नेटवर्क एंड हैथवे विथ नेटवर्क 18 एंड टीवी 18 टू कंसोलिडेट RIL मीडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे कंपनी हम लोग को पता है कुछ महीना पहले जो है रिलायंस ने खरीद लिया था, अभी यहाँ पे जो होल्डिंग्स है उन लोग के पास डेन नेटवर्क एंड हैथवे का, सेबी का जो नॉर्म्स है सेबी का जो रूल्स है उसके चलते जो ये लोग थोड़ा यहाँ पे कम करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो देखने को मिल रहा जो OFS है उसके चलते ये लोग ये शेयर बेचेंगे। तो यहाँ पे एक जो है आगे लगता है जैसा अभी स्टॉक में चल रहा है या फिर जैसे अपडेट्स ये स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, स्टॉक का प्राइस बहुत ही कम है तो अगर कोई लेता भी है तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये स्टॉक ख़रीदना है, रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप ये स्टॉक खरीदते हैं फिर कोई भी स्टॉक खरीदते हैं खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए। जो भी स्टॉक का हम लोग टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस देते हैं सिर्फ एक ओवरव्यू रहता है हम लोगों का। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही था कि डेन नेटवर्क को लेके जो अपडेट आया है एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके साथ वो शेयर किया जाए। वीडियो को कंप्लीट करने से पहले बताना चाहेंगे जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है अभी मेंबरशिप भी लाया है, तो अगर आपको चाहिए तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं, आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा।
अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।